मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में कमला दीदी के संस्मरण दादा को लेकर जो हुए हैं, महाराज जी की जो लीलाएं हुई हैं, जो उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, उन संस्मरण को मैं आपसे साझी कर रहा हूं, उनको हम बता रहे हैं। हुआ क्या कि 14 सितंबर 1973 को जो अस्थि विसर्जन हो गया संगम तट पर, इसके बाद सुधीर दादा ने उसी तख्त पर पूजा शुरू कर दी। आपको बताया था हमने कि उन्होंने एक भक्त का दिया हुआ चित्र स्थापित कर दिया, चरण उसमें महाराज जी के हैं। अब उस पर दादा पुष्प चढ़ाते हैं और पुष्प चढ़ाने के बाद पूजा करते हैं। ये अब उनके जीवनचर्या में शामिल हो गया है। अब ये प्रक्रिया चलती रहती है। लगभग एक वर्ष बीत गया। जो घटना मैं आज आपको सुनाने वाला हूं वो 12 अक्टूबर 1974 की है, दिन के 11:30 हुए हैं। बहुत सटीक समय दीदी ने दिया है और दीदी ने लिखा है कि जो सुबह की पूजा है वो दादा करके किताबों की दुकान पर चले गए हैं। आप जानते ना, रोज किताबों की दुकान पर जाते थे, रोज नया पढ़ते थे, नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था दादा को। और सच में किताबें मित्र होती हैं। तो दादा किताबें पढ़कर जैसे 11:30 पर कच्छ में प्रवेश करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, यह किसने तस्वीर बदल दी। बहुत तेज चिल्लाते हैं, मां, मौसी मां, देवर, वो स्वयं बैठी हुई हैं और एकदम सब कहने लगते हैं कि हम लोग तो यहीं बैठे हैं, यहां कोई नहीं आया है, और कोई आता तो ये तीन कुत्ते हैं, तीन जो हमारे यहां श्वान पले हुए हैं, इनको ये चील भौंकते और चुप हो जाते हैं। क्योंकि जो तस्वीर उन्होंने 14 सितंबर 1973 को रखी थी उसकी दिशा बदल गई है। वो तस्वीर का जो मुखार या जिसका सामना था वो दक्षिण की तरफ था, वो अब पूरब की तरफ हो गई है। गंधराज के ऊपर जो फूल रखते थे, वो एक लाइन लगाते थे, उस पर दो फूल रखते थे हनुमान जी के नाम से, तो वो चरण के आगे आ चुके हैं वहां से उठ के। महाराज जी का जो तकिया, जो शयन का एक पलंग पड़ा हुआ है, उस तकिए के नीचे हनुमान चालीसा हमेशा रखी जाती थी, वो हनुमान चालीसा निकल के चित्र के सामने रख दी। अब पूजा कक्ष का पूरा चेहरा मोहरा बदल गया। घर में कोई आया नहीं है और जहां वो पूजा करने करके गए थे तो ये सब चित्र का मुखार बिंदु पूरब की तरफ हो गया। हनुमान चालीसा तकिया से निकल के ऊपर आ गया, चित्र के सामने रख गया। दो जो लाल पुष्प, वो गंधराज पुष्प के ऊपर जो चढ़ाते हैं ऊपर हनुमान जी का नाम लेकर, तो वो चरण कमल के नीचे आ गया। अब जब तक नहीं समझ में आया तो दादा चिल्लाए, और फिर वो जब शांत हो गए कि कोई आया नहीं तो वो समझ गए कि महाराज जी प्रकट हो गए। ये महाराज जी की ही लीला है। ये कौन सा खेल कर दिया महाराज जी ने, ये महाराज जी का ही खेल है, अन्यथा ये कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुधीर दादा तो महाराज जी को पल पल जिए हैं, तो उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये महाराज जी ही ऐसा चाहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बात की चर्चाएं हैं। लेकिन 12 अक्टूबर 1974 लगभग एक वर्ष के बाद उनके पूजा कक्ष में ये स्वतः परिवर्तन हुआ। तो अब जो पुष्पों की सजावट है
वो 12 अक्टूबर 1974 से सुधीर दादा ने बदलने शुरू कर दी, उसे और बढ़ाया। तो पुष्प चर्चा के बारे में दीदी आगे लिखते हैं, जो लिखा है बहुत ही बहुत ऐसे के लिए इंटरेस्टिंग है, और सच में उसमें जो त्याग समर्पण और जो सेवा की भावना है वो निश्चित रूप से वंदनीय है। राम राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।